डेफिनेटली आ गई है ना। ये बेचारे फुटपाथ पे बैठे यही कहेंगे कि मामला सारे ठीक हैं, लेकिन इनफैक्ट इनकी जिंदगियों का बाप जो है वो रोज गुल हो जाता है किसी ना किसी सूरत। सलाम अलैकुम, सेहत कैसी है? मामला ठीक है? आप नाराज क्यों? आप नाराज लग रहे हैं? ना बनाए जी, ना बनाए, ना बनाए, नीचे कर लें कैमरा ना। जब खाना शाना खाया आपने? सब ठीक है। कब से इधर है? कहाँ से आए हैं? क्या खैरियत को मसला है? बार बार आता हूँ, हर साल आता हूँ। वापस नहीं गए आप? एक दो दिन हुए आए हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। फुटपाथ पे ही फिर बसेरा करते हैं? अंदर ही बसेरा करता हूँ, इधर ही बसेरा करता हूँ। खाना शाना मिल जाता है टाइम पे? जब भी आता हूँ खाना वगैरह मिल जाता। तो रात तो बड़ी सर्दी होती है, कैसे गुजारा करते हैं भाई? 9 साल हो गए ऐसे गुजरे। तो घर वालों को पता है आप इधर हैं? मेरे घर का रिलेटिव कोई नहीं है, अकेला हूँ। कोई कोई हयात नहीं है? अब है ही कोई नहीं? वालदैन के जो फैमिली मेम्बर था उसमें से कोई नहीं है। कोई भाई वगैरह नहीं है? भाई भी कोई नहीं? कोई नहीं, अकेला हूँ। अकेले रहते हैं? इधर तो वो आपकी पॉकेट वगैरह भी मार लेते होंगे, मीन्स जेब कतरे भी हैं इधर बहुत। इतनी ज़रूरत होती है पॉकेट मारने की, सिर्फ जरूरत नहीं पड़ती। चीज़ें तो नहीं उठाई जाती, पास रहती हैं? भी नहीं होता पास इतना, सिर्फ ये 2 कपड़े होते हैं जो पास होते हैं। तो सारी रात फुटपाथ पे कैसे गुजारा कर लेते हैं? मुश्किल है बड़ा। गुजर हो जाता है यार, आधी हो गया। कितने साल हो गए इस तरह करते? 9 साल? 9 साल हो गए। तो नशा तो नहीं करते? नहीं, सादा सिगरेट पीता हूँ। सादा। मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं यार, जिसम डैमेज हो गया, 2 मरत रेल से एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है? ये उल्टा कंधा डैमेज हो गया था रेल से। नाम आपका क्या है? मेरा नाम इमरान बेग है। इमरान पिंडी रहते हैं फिर ज़्यादातर? जी मैं तहसील टैक्सदार जिला लाहौर पिंडी है। ज़्यादा क्याम उधर ही पिंडी में करते हैं जी। तो लाहौर भी आना जाना लगा रहता है? जी लाहौर दरबार भी आता हूँ साहब पर। तो अभी कितने दिन आप क्याम करेंगे, कोई अंदाज़ा है? कोई पता नहीं भाई, आज दूसरा देना मुझे। जब दिल करेगा वापस चले जाएंगे? हाँ ऐसे ही होता है। तो ज़्यादा सफ़र करते हैं और किसी शहर भी जाते हैं या बस दो पिंडी और लाहौर? पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ भाई। क्यों छूट? ट्रेन पे जाते हैं? ट्रेन पे भी जाता हूँ। टिकट वगैरह? टिकट पैसे हों तो ले लेता हूँ, ना हो तो मेहनत करके बैठ जाता हूँ। पैसे हों तो फिर ले लेते हैं? हाँ, पैसे ना हो तो मेहनत करके बैठ जाता हूँ, अगर जाना हो तो। तो आप जब इधर सो जाते होंगे या आप रात भी जब आँख खुलती होगी तो यहाँ तो पूरी की पूरी लेन नशे के आदि अफराद से भरी होती है, आपने देखा कभी उन्हें गौर से? बहुत बड़ी पैमाने पर लोग इधर सोते हैं। मेरी अक्सर आदत है जिधर नशा और बंदे होते हैं उनसे मैं साइड पर लेटता हूँ। ये अभी मैं आज दिन को मैं लेटा नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया हूँ। ऊपर से आप अचानक टीम आपकी आ गई। आप रेस्ट करें, अल्लाह आपको खुश रखें। अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया। आप ये यहाँ की सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में लोग जो फुटपाथ पर बसेरा करते हैं इधर, चूँकि बदबू भी है, गंदगी भी है, लोगों का रहन सहन इस फुटपाथ से वाबस्ता हो चुका है, और इस रहन सहन की वजह से यहाँ कयाम करने की वजह से ये लोग अक्सर बेशतर जो हैं वो नहाए भी नहीं हुए होते, और इनके कपड़े भी बड़े पुराने होते हैं, और इन सारे मामलों में ये लोग जो हैं। चाचा क्या हाल हैं? चावल खा रहे हैं? सेहत कैसी है आपकी? सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। तो इधर ही सोते हैं फिर? वो फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में, सर्दी सुर्दी बहुत ज़्यादा है, बीमार भी थे आप लास्ट टाइम, अब क्या हालात हैं, तबीयत कैसी है आपकी? फिलहाल तो बड़ा ठीक ठाक हूँ। अब से ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह, बिल्कुल फिट है। इधर सोने वाले वालों की तादाद कम हुई है उतनी की उतनी है? तो जितने मैं समझना हूँ तो बड़े आदमी समझे ने नशे दे आदि अफराद? ना 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 ना, नशे तो अलावा भी सुनते हैं? ना तो आप ये पता नहीं मैनू, मैं तो अपनी गल करना, मैं तो किसी की गल मैं नहीं करता, मैं तो नसवार दी। ठीक है मजा ही ना, आप नसवार ही नहीं कदे खाधी तो ना कदे चाह भी नहीं कदे पीती। लोग उल्टे पे होंगे ने नशा कर करके बेचारे? ना 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 ना, आप ही हो जाए काम नहीं करे। पता है मुझे ये यहाँ की सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में ये फुटपाथ का जो बसेरा है यहाँ लोगों की अब बड़ी यादें वाबस्ता हैं, लोग हर वक्त यहाँ पड़े रहते हैं। मलांग जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। सेहत कैसी आपकी? शुक्र है अल्लाह का। तो कब से ड्यूटी लगी आपकी इधर? मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ इधर। क्या वजह?
क्या वजह क्या मुर्शद ने भेजा? हाँ बस वो घर में हालात ऐसे थे, उधर नहीं दिल लगा, इधर आके रहना। घर किधर है आपका? सियालकोट में। तो सियालकोट में आप कब से इधर आए हैं? क्योंकि मैंने आज पहली दफा आपको देखा है। अच्छा, मैं ना मेले देख रहा था दादा साहब के मेले के बाद ना, ये 12-13 मेले देख के मैं अभी आज ही वापस आया, क्योंकि मेरी आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। आप पहले भी आते रहते? मैं इधर रेगुलर आता हूँ। अच्छा, मैं 93 का इधर रह रहा हूँ। इसी फुटपाथ पे रह रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुलाकात नहीं फिर हुई पिछले एक साल से, फिर आप यहाँ से गायब हैं। हाँ नहीं, पहले शेरशाह वाली नज़दीक ही है ना, उधर रहा, वहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया, फिर इधर आ गए। इधर तो बहुत सारे लोग दूसरे भी रहते हैं जो नशा करते हैं। हाँ, वो जो है ना अच्छा है, उन पे सख्ती होनी चाहिए, उनको किसी तरह जो है ना यहाँ से भगाना चाहिए। नहीं, वो कहाँ जाएँ बेचारे, उनका तो कोई नहीं है ना दुनिया में, ना कहीं और, ना घर उनका बचा, ना मोहल्ला उनका बचा। वो खराबी करते हैं, उनको अगर नहीं जो है ना वो पकड़ेंगे ना, तो फिर हम इस हुकूमत के भी हलाफ हो जाएंगे। हाँ, जो इस तरह सरे आम जेब कतरे जो है ना इधर फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला। आप फिर इधर सो जाते हैं? हाँ, कभी जो है सख्ती ना हो तो इधर ही सो जाते हैं, जब सख्ती हो जाए तो थोड़ा सैड भी हो जाते हैं। तो सुकून की नींद तो नहीं आती होगी, सर्दी बहुत है? नहीं नहीं, ऐसी बात, सुकून की नींद आती है। हाँ कसम, बहुत सुकून की नींद आती है, अल्लाह का शुक्र है। खुश रहें, खुश रहें आप। दास्तान है जी इधर, हर जगह, हर इंच पे, हर कदम पे दास्तान है यहाँ। और ये दास्तान है, छोटी मोटी दास्तान नहीं है। मुदस्सिर साहब, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल आपके सामने है। ये इसके मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ भी आगे जाएंगे ना, आगे से आपको मंशात के जो आती हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पुलिस वालों से कि इनको पकड़ते क्यों नहीं है, जो भी इनको मंशात दे के जाते हैं उनको सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़ें, अफसरान इन पर पिन पॉइंट करें कि किस टाइम पर ये मंशात यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये लोग लेते हैं, यहाँ से उनको पकड़ें। ये सेफ सिटी, इतने अरबों रुपए इस पे खर्च किए हैं, क्या फ़ायदा है इन सेफ सिटी कैमरे के लगाने का, जब आपने इन मंशात के जो फरोश है इनको आपने पकड़ा ही नहीं है। इस पे जो सीसीपी लाहौर है, जो डीएजी ऑपरेशन है, जो एसपी सिटी है, उसको नोटिस लेना चाहिए, और ये जो मंशात यहाँ पे दे के जाते हैं उनको पकड़ना चाहिए। जो हुकूमत है, ये MP साहब भी हमारे साथ आई हैं, इनको भी चाहिए कि इस पे वो करारदाद पेश करें कि जो मंशात के स्मगलर हैं या डीलर हैं जो यहाँ पे देख के जाते हैं उनकी कमर टूटे, उनकी कमर टूटे। आप देख रही हैं फुटपाथ कैसे आबाद है। बात ये है ना फहद भाई कि हम लोगों की, देखिए हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी बन रही है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ये जितने लोग हैं जो स्पेशली नशे की आदत आदि हैं, आपको पता है आज भी मैंने एक रेजोल्यूशन करवाई है और इससे पहले भी करवाई थी, और इंशाल्लाह एक बिल भी हम जो है पेश करने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड, और हमारी कोशिश यही है कि इन लोगों को हम माशरे का वो शहरी बनाएँ कि जो इस माशरे के काम आए, ना कि नाकारा कोई इन्हें ना कहे, बल्कि लोग ये कहें कि ये वाकई में वो लोग हैं। मैं आपको इधर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दो किस्म के लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, सूबे के अंदर, लाहौर के अंदर, सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। क्या हाल है? ठीक है। किधर रहते हैं चाचा आप? फैसलाबाद। सलाम करने आए हैं दादा साहब? हाँ जी, काम गया है। खैरियत है? आप वापस चले जाएंगे? जा रहे हैं, मेरे पास तो आप इधर रुकेंगे या जा रहे हैं? नहीं नहीं, जा रहे हैं। लाहौर में आते जाते रहते हैं आप? हाँ ठीक है। मौसम तो सर्द है काफ़ी, सर्दी है? हाँ जी, है ना जी, है। अच्छा जी, दो किस्म के लोग हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, दो किस्म के लोग हैं जिनकी इलाज मुआलजा की सहूलियत पाकिस्तान में सबसे कम है, चाहे दिल का मसला हो, चाहे किसी किस्म की हेल्थ का, मैदे का मसला हो, आपके जिगर का मसला हो, वहाँ पे सहूलियात मैसर हैं। लेकिन दो लोग जो मेंटली डिसऑर्डर हैं और नशे के आदी हैं, ड्रग एडिक्शन, इनके लिए पंजाब के अंदर जो इलाज गाहें हैं वो ना होने के बराबर हैं, जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें सिर्फ 10-10 बेड हैं। जब एक मैदे के दर्द का पेशेंट है उसके लिए आपने 250 बेड लगाया है, तो फिर उसके साथ स्काइटी वार्ड में ड्रग एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट है उनको दाखिल क्यों नहीं किया जाता? अब मेंटल हॉस्पिटल इतना तारीख का बहुत पुराना हॉस्पिटल है और उधर 30 बेड हैं, क्या वजह है? इनके लिए क्यों 30 बेड हैं? ठीक है, मुदस्सिर आप कुछ कहने जा रहे हैं? अच्छा, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस पे दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं कि इन जो नशे के आदि अफराद हैं इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद होना चाहिए। अब मैं देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने तो इस पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो मौजूद। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अम्मा क्या हाल है?
अम्मा कहाँ रहते हैं आप, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं? मैं पोत्र के सामने मजौरा अदाता दे मजौर नहीं। हाँ तो अम्मा कोई बच्चे बुच्चे नहीं, औलाद वगैरह कोई नहीं? बंदा मार के अधुआ साल है। अच्छा तो इधर ही गुजारा हो रहा है बस, आज रोटी पानी बन जाता बस, और मां ना कि जाना ना होना आया आख बनवाई है जेन ओ मका ठाठ तू पिछे दो महीने ठहर के बनवाई सांगे। चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, कैसे भुलाएं, भूल सकता है कोई वो लंबी सी रातें, वो छोटी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं भाई। सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह। लंगर खा रहे हैं? हाँ जी लंगर खा रहे हैं। खाएं, बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में लोग यहाँ जितने भी जीते हैं, बसते हैं, रहते हैं, उनके इस फुटपाथ से यादें वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगी इस फुटपाथ से चल रही है, और ये फुटपाथ उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। इस सहारे को वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और यही उनका ओढ़ना बिछोना है, और यहीं से वो रात भर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? अल्लाह भाई सेहत कैसी है? अल्लाह बाकिया जानता। तो इधर ही सोते हैं फिर? नहीं जी कभी कितने कभी कितने। कहाँ कहाँ सोते हैं बताएं? कभी वो पुराने हाल चले जाइदा, कभी वो पर मच्छी मंडी के कोल उत्थे जाके लम्मे पै जाते हैं, ऐसे सर्दी होती है फिर उधर जा जू के कितने ना कितने आसरा करके लम्बे पै जाते हैं। खाना छाना लंगर इधर से कर लेते हैं? वो भी अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब ला देता, हूँ खाना दिया थोड़े दे तो चावल वंडे थे वो ला लेने खा के सोचूंगा। हो ये जी जो हमारे ये लोग हैं ठीक है, और इनके जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट में अब आए ठीक है, और हमने आते साथ इन चीज़ों पे इनिशिएटिव लेना शुरू किया है ठीक है, हम इन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं ताकि माशरे के इज्जतदार शहरी बने। आप क्या कह रहे हैं? माँ बाप आए थे अल्लाह ने प्यारे हो गए ने, बाकी उन्हें अल्लाह पाला के जिंदगी जैसे भी गुजार रहे हैं, जैसे आपके सामने मजदूरी मिल जाए कर लेती है, ना मिले मेरी मतलब जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम लोग इंशाल्लाह इनके लिए ऐसे सेंटर्स जो है वो ज़रूर कायम करेंगे कि जहाँ पे इनकी जो है वो इलाज हो सके। जैसे आप बताए डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और जो है इमरान खान साहब जो है मुसलसल उनका जो फोकस है वो हेल्थ पर है और ग़रीब इंसान पर है ठीक है, कि आपने गरीबों को जो है उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उन पर काम करना है। तो अगर हम इनके लिए वो सेंटर्स बना लेते हैं इंशाल्लाह ताला जो कि हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द जो है हम इस लानत से छुटकारा भी पा सकेंगे, क्योंकि जिस तरह अवेयरनेस जो है लोगों में फैलती जा रही है इसके लिए, मेरा ख्याल है अगर इसको हम मज़ीद इस अवेयरनेस को जो है एक्टिव कर दें तो आई थिंक ये चीज़ें बड़े आराम से जो है सोल्यूशन की तरफ जा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारा ज़ाहिर बात है बींग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम लोगों का, मीडिया का, और इसके अलावा हमारी पुलिस का है। आप मंशात की सप्लाई नहीं रोकेंगी तब तक ये लोग जाएंगे आप पुलिस के बगैर, आप पुलिस को आज़ाद करें ना, पिछली गवर्नमेंट ने भी पुलिस को आज़ाद नहीं किया, आप भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी सियासी मुदाखलत मैम बहुत हो रही है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ मुझे पता है सियासी मुदाखलत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है ठीक है, तरीके इंसाफ का इसमें इसमें फिर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप ये बात कह रहे हैं एक क्वेश्चन ये चार ये आप ये देखें फुटपाथ किस तरह से आबाद है इन लोगों से। सामने के बाजी अम्मा जी, आप जो यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो आपके लिए वो बनाए हैं, जो घर बनाए हैं कि आप वहाँ पर रहें, यहाँ जमीन पर ना आप लोग सोए, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? काम करीदा है, तेरा दीदा काम करीदा है। नहीं तो अम्मा जी काम तो आप यहाँ करती हैं ना, लेकिन आपका अपना घर है यहाँ? वहाँ खवातीन अलाउड नहीं है जी, नहीं अभी नहीं है, टेंट जो लगे उनमें अलॉट नहीं, लेकिन दूसरा जो है उसमें है, मैं खुद विजिट किया, लेदर टेंट लगाया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, खबर थी इनके लिए जो है इमरान खान साहब ने इस वक्त,
उन्होंने बाकायदा वहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं जहाँ पर खवातीन रहती हैं जाकर। आप अगर जो है रात को आपके पास घर नहीं है, आपके पास कोई आसरा नहीं है, तो आप वहाँ जाकर रह सकते हैं। तो आप यहाँ रोड पर क्यों हैं? बस हम चले जावांगे ना, आपका घर है, पता चल गया ना, हम जावांगे। नहीं तो आपका घर नहीं है? घर है, काम करीदा ना इतने, वो ये बात कह रही हैं कि क्योंकि हम लोग काम यहाँ पे इसी विसिनिटी में करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये होता है कि जब हम काम खत्म करके आते हैं तो हमें नज़दीक तरीन जगह यही है, नज़दीक सामने कैंप है, वही इनको यहाँ खवातीन के लिए कैंप नहीं लगा मेरा ख्याल है।